खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश में एक जिला में एक उपयंत्री जो है 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेत रंगे हाथों लोकायुक्त के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अब तो हालात यह हो गए कि मध्य प्रदेश के लागत है नाव बदल के रिश्वत खोर प्रदेश रख दे चाहिए। कहे कि यहां छोट से लेके बड़े तक वह आम आदमी, गरीब आदमी, किसान का बिल्कुल नोच नोच के खाए चाहते थे। हालात यह कि रिश्वतखोरी के आए दिन नए मामला खुलेआम सामने आवत है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल वहां करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जो ने अपना पंचन बताया दी कि मध्य प्रदेश के मंडला के मवई जनपद में पदस्थ उपयंत्री मनोज बघेल का लोकायुक्त जबलपुर की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त पुलिस के दावा है कि उनका जो है सब इंजीनियर मनोज बघेल का ग्राम पंचायत सास डोली के सरपंच के द्वारा 1,00,000 रुपया के रिश्वत लेत गिरफ्तार किया गया है। अपना पत्रक बताया दी, मिली जानकारी के अनुसार सरपंच निरंजन सिंह धुर्वे उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम बिलगांव मंडला माल लोकायुक्त जबलपुर के टीम का शिकायत करे रहे, जो उन्हें बतावा कर रहा उप यंत्री मनोज बघेल के द्वारा उनसे 1,50,000 रुपया के रिश्वत मांगी जा रही। शिकायत के सत्यता की जब जांच कराई गई तो शिकायत सही पाई गई। पूरी प्लानिंग के साथ लोकायुक्त जबलपुर की टीम मबई पहुंची और अपना बजट बताया दी कि योजना के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा जब 1,00,000 रुपया नगदी के राशि जो है उपयंत्री सरकारी आवास में देंगे, तब मौका मां पहुंच के लोकायुक्त के टीम के द्वारा उपयंत्री का 1,00,000 रुपया के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगा। उसके बाद कार्यवाही शुरू कर दी गई। उपयंत्री के द्वारा यह राशि जनपद का दे के नाम से सरपंच से मांगी गई रही। बतावा यह दिया कि ग्राम पंचायत सारस डोली मा अंतर्गत बिलगांव एवं ग्राम मड़वा मा पुलिया एवं सीसी रोड निर्माण के माप पुस्तिका भरे एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करे के एवज मा 1,50,000 रुपया की रिश्वत मांगी गई रही। 1,00,000 रुपया के राशि जैसे शिकायतकर्ता निरंजन के द्वारा दीन गए तो लोकायुक्त टीम के द्वारा उपयंत्री मनोज बघेल का दबोच लेगा। अपना बजट बताया दी कि ये पूरे कार्यवाही में डीएसपी दिलीप झरबड़े, निरीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक नरेश बेहरा, निरीक्षक रंजीत सिंह, आरक्षक अतुल श्रीवास्तव, जुबेद खान, राकेश विश्वकर्मा शामिल रहे। तो सीधे तौर पर समझी कि एक उपयंत्री जेकर जिम्मेदारी होती कि वो निर्माण कार्य जो ग्राम पंचायत स्तर तक जो है हो थे उनका बेहतर से जांच की जाए, उनके गुणवत्ता का जांच की जाए, कार्य के पूर्णता के प्रमाण पत्र जारी की जाए, वो कर पैसा दबावा जाए। किंतु हालात यह कि एक उपयंत्री इतना भ्रष्टाचारी कि रोड बनावा चाहे न बनावा, सड़क बनावा चाहे न बनावा, तालाब बनावा चाहे न बनावा, यदि पैसा और घूस रिश्वत दे दे तो बिन बनाए तो होगा कार्य के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दे ही, गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी कर दे ही, वो खुले आप भ्रष्टाचार के या सिस्टम मा वो दलदल मा खुद तक घुसे रहा थे और सामने वाले का। और सोची जो गांव के ग्रामीण भोले भाले होते बिचारे ये सोचा थे कि हमारे यहाँ इंजीनियर साहब आई ही और जब शिकायत हुई तो वह रोड के वह सड़क के जांच कर ही जो उन्हें मां गड़बड़ी है, किंतु एक कहा जाने की इंजीनियर साहब तो यहाँ मोटी रकम ले रहे हैं और खुद जो है गद्दा मतलब उनके गद्दा तक में रुपया भरी है। और हालात यह कि कहा थे ना कि जब जो झूठ होते जो गलत होते वह बहुत होकर लंबी उम्र नहीं होए। और यह भा उपयंत्री के साथ जो 1,00,000 रुपया की रिश्वत तमागे रहा, किंतु वह 1,00,000 रुपया ओके हक्के नहीं रहा और पहुंच गया सलाखन के पीछे। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।